क्या मैं स्टार्ट कर दूं क्या? कमेंट बॉक्स में हाँ ना लिख दो तो स्टार्ट कर दें क्या? स्टार्ट कर दें क्या कमेंट बॉक्स में उसके लिए हाँ ना लिख दो तो एक बार, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा इससे मनोबल बढ़ता है। स्टार्ट कर दूं क्या? यस और नो, स्टार्ट कर दें क्या? यस, चलो ओके। तो पहला क्वेश्चन एंड एक्चुअल ये अप्रैल 2006 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अप्रैल 2006 का, एन एक्चुअरियल स्टूडेंट हैज क्रिएटेड एन इंटरेस्ट रेट मॉडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज तक हमने जो भी कुछ किया है वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या होता था? डिटर्मिनिस्टिक। लाइक ये तो है स्टोकैस्टिक इंटरेस्ट रेट मॉडल्स। जब हम लोग आपका आगे चलेंगे इसी कोर्स में, इसी CM2 के कोर्स में जब हम लोग आगे चलेंगे, तो हम लोग के और भी बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट रेट मॉडल्स आएंगे, लाइक वैसिसेक मॉडल, CIR मॉडल, हल वाइट मॉडल। ओके, तो वो सारे भी इंटरेस्ट रेट मॉडल्स होंगे। तो ये क्या है? ये स्टोकैस्टिक इंटरेस्ट रेट मॉडल्स है। अब इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं रहेगा, अब उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम लोग। इंटरेस्ट रेट का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि आने वाले साल में 6, 8, 10 कुछ भी लग सकता है। ओके, अंडर विच द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड ओवर द होल ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मतलब ये कौन सा वाला मॉडल हुआ? FIRM ना VIRM? मैं बोलता हूँ ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मॉडल हो गया, क्योंकि क्या बोलता है, एक बार जो इंटरेस्ट रेट लग गया, अब वो आने वाले 10 साल के लिए वही इंटरेस्ट रेट रहेगा। सबको समझ में आ रहा है? ओके, द एनुअल इफेक्टिव रेट इज अज्यूम टू बी 2%, 4%, 7%। हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटीज भी दे दिया है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ accumulated value, and dear g, expectation of anything is equal to what? Summation of that into probability. Okay, of an annuity of 800 per annum payable annually in advance over the next 10 years. annually in advance over the next 10 years. Aur iska second part mein kya bola hai? Calculate the probability that the accumulated value will be greater than 10,000. आइए चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे को आपको समझाना है, ईएवी वर्सेस एवी एट द रेट जे परसेंट। एंड व्हाट इज जे परसेंट? मीन इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज जे परसेंट मीन इंटरेस्ट रेट। अब ध्यान से सुनना, ईएवी का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड वैल्यू। जैसे अपने को यहां पर इन्होंने कौन कौन सा इंटरेस्ट रेट दिया है? 2, 4 और 7 दिया है विद प्रोबेबिलिटीज 0.25, 0.55 एंड 0.2। मैं एक बार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग को क्या क्या दिया है? हम लोग को दिया है 2%, 4% एंड 7%। प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या है बताना। प्रोबेबिलिटीज़ है 0.25, 0.55 एंड 0.2। ये मेरे प्रोबेबिलिटीज हो गए, ये मेरे इंटरेस्ट रेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और बोल रहे ईएवी निकालो। तो ईएवी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना पड़ेगा, 2% में, 4% में और 6% में। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालूंगा 2% में, 4% में और 7%। मैं भूल से बाबा 6 बोल रहा हूँ, 2%, 4% और 7% में मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो भी चीज़ बोला है, चाहे वो एनुइटी हो, चाहे वो एक सिंगल पेमेंट हो। ठीक है, तो मैं तीनों इंटरेस्ट रेट्स में अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालूंगा एंड फिर मैं एक्सपेक्टेड कैसे करूंगा? AV into probability. दिस इज वॉट एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू वॉट? समेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में प्लीज। चुपचाप नहीं बैठेंगे ऐसे ऐसे, ये कोई सत्संग भजन नहीं चल रहा है जो तुम लोग ऐसे चुपचाप खाली सुनते जाओगे। ऐसे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, पूरा फ्लोर खाली है, सेंटर तो छोड़ो, पूरा फ्लोर खाली है, कोई नहीं है, सब कोरोना वायरस के डर से घर पे हैं। तो आज जब मैं आया हूं तो आप लोग का भी यहां पर पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, वरना मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एवी एट जे का मतलब क्या होता है? एवी एट जे का मतलब क्या होता है? पहले मीन इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे एंड मीन इंटरेस्ट रेट निकालने के बाद में मीन इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे? 2% इंटू उसका प्रोबेबिलिटी प्लस 4% इंटू उसका प्रोबेबिलिटी प्लस 7% इंटू उसका प्रोबेबिलिटी।
सबसे पहले जे निकाल लूंगा विच इज मीन इंटरेस्ट रेट, और फिर उस मीन इंटरेस्ट रेट में अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, उस मीन इंटरेस्ट रेट में अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे लोग का, चिंटू मिंटू बंटी लोग का क्या सवाल होता है, सुनना। चिंटू मिंटू बंटी बोलते हैं, सर आपने तो ये सिखाया, हमने ये चीज सीख लिया, हमने ये चीज रट लिया। मान लो आपने ये चीज बोला, आपका कदर करते हैं, हमने ये चीज रट लिया, लेकिन एग्जाम में सर मैंने देखा है बहुत बार जब सॉल्यूशन में माने वो लोग ने मांगा है ईएवी, वो लोग ने मांगा है ईएवी, लेकिन वो लोग करते ये है, बोलो हाँ मन का बात बोला कि नहीं बोला, मांगा है ईएवी लेकिन फिर भी एवी एट द रेट जे करते हैं, बोलो हाँ सबका यही क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। सर बोलता बोलता ईएवी निकालने हैं लेकिन करता एवी एट जे। अरे भाई अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो तुम ईएवी निकालेगा कैसे? ईएवी निकालना तभी पॉसिबल है जब ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे। दिमाग दौड़ाइए कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तब तो जे को ही यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर बोल दिया है ईएवी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोल दिया है एवी एट द रेट जे निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ईएवी बोल के एवी एट द रेट जे वाला फॉर्मूला लगा रहा है, इसका मतलब क्या है अभी सुन लो, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है तो मेरे पास कोई उपाय बचता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है तब तो फिर एवी एट द रेट जे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मीन और वेरिएंस दिया हुआ है तो। अब समझ में आया बोलो ये बात कि कब ईएवी लगाएंगे और कब एवी एट द रेट जे लगाएंगे, बोलो हाँ, बोलो हाँ। आओ तो हम लोग को यहां पर क्या बोला था, फिर से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग को बोला था एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एनुइटी ऑफ 800 पर एनम पेबल एनुअली इन एडवांस ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स, ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। तो यहां पर किस चीज का बात हो रहा है, यहां पर बात हो रहा है 800 के एनुइटी का, यहां पर बात हो रहा है 800 के एनुइटी का। तो 800 S due 10। अब आप लोगों को ये निकालना है फटाफट से, कितना कितना रेट में निकालेंगे, तीन अलग अलग रेट में, 2%, 4%, 7%। अब की बार सही बोला ना, 2, 4 और 7। निकालिए निकालिए इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, निकालिए और बताइए आंसर क्या क्या आ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, बताइए फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज हम लोग। पहला वाला आएगा 8934.97, ठीक है। दूसरा वाला आएगा 9989, पॉइंट के बाद आप लोग लिख लेना। और तीसरा वाला आएगा 11826.888 something, ओके 0.8 के आगे तुम लोग लिख लेना। तो ये मेरे तीनों SDUs हैं, तो ये मेरे तीनों SDUs है, बिकॉज क्या बोला, एनुअली इन एडवांस 10 साल तक एक एनुइटी होगा और उसका एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो ये वाला अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, 0.25। ये वाला होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, 0.55। ये वाला होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, 0.2, ठीक है। तो अब इन सबको करके निकालो, लाइक पहला वाला इंटू 0.25 प्लस दूसरा वाला इंटू 0.55 प्लस तीसरा वाला इंटू 0.2, इन तीनों का करके निकालना कितना आ रहा है, 10,093। बोलो ना हाँ, ये हो गया मेरा पहला वाला का पार्ट, दिस इज पार्ट वन। ये वाला क्वेश्चन नंबर वन है कंपाइलर का, एंड कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर वन अप्रैल 2006 का क्वेश्चन। अब इसका पार्ट टू में क्या पूछा है, देखिए पार्ट टू में क्या पूछा है, बोलता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द अक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 10,000। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, तीनों में सिर्फ एक ही तो है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तीनों में सिर्फ एक ही तो है जिसमें वैल्यू 10,000 से ज्यादा हुआ है, तीनों में। अच्छा मैं एक
चेतावनी देना चाहता हूँ, या फिर मैं अटक जाऊँ, या फिर मेरा स्क्रीन अटक जाए, या फिर वीडियो चलना बंद हो जाए, आप लोग प्लीज़ मेरे को बता देना बाय सेइंग इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? बिकॉज ये कमेंट बॉक्स कभी नहीं बंद होगा बेटा, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे बीच का कनेक्शन है। अगर ये कमेंट बॉक्स बंद हो गया मतलब समझ लेना क्लास ही खत्म हो गया है फिर तो, ठीक है? तो इसका मैंने सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा पता है? 0.2। सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा पता है? 0.2। बोलो तो क्यों, क्यों सेकंड वाले का आंसर 0.2 होगा? क्योंकि क्योंकि सर तीनों केस में सिर्फ एक ही तो केस ऐसा है जिसमें प्रोबेबिलिटी जिसमें वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो रहा है, एंड यही तो मांगा है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि वैल्यू 10,000 से ज्यादा होगा, वो सिर्फ एक ही केस में है, एंड उस एक केस का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ही आगे बढ़ेंगे। तीनों केसेस में सिर्फ एक ही तो केस ऐसा है, तीनों केसेस में सिर्फ एक ही तो केस ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? प्लीज बताइए फटाफट। मैं ये बोल रहा हूं कि तीन केसेस का मैंने अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाला, तीन केसेस का मैंने अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाला, तो तीनों केस में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 10,000 से ज्यादा हुआ? थर्ड वाला मैं बोल रहा हूं, तीनों केसेस में ऐसा कौन सा वैल्यू हुआ जो 10,000 से ज्यादा हुआ? थर्ड वाला। तो 10,000 से ज्यादा सिर्फ एक ही केस में हो रहा है, एंड उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। एंड उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। देख लो इसको, कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू पढ़ना सब लोग, ये वाला हो गया तो क्वेश्चन नंबर टू पढ़ना, क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए, क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ रैंडम वेरिएबल दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन इतना एंड वेरियंस इतना इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ रैंडम वेरिएबल दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन इतना एंड वेरियंस इतना इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स। द वैल्यू टेकन बाय द इंटरेस्ट इन एनी वन ईयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वैल्यू इन अदर ईयर। बताना क्या है, FIRM है ना VIRM है? मैं पूछ रहा हूँ, FIRM है ना VIRM है? VIRM मतलब क्या होता है? वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मॉडल। निकालने क्या बोला? एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेशन। बैठे रहने से नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा सबको। द एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, द एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इफ वन यूनिट इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ 10 ईयर्स। आज मैंने एक यूनिट इन्वेस्ट किया है एंड मेरे को एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेशन चाहिए, तो इसका मैंने डेरिवेशन कराया था क्या क्लास में? क्या होगा इसका बताना? इसका मैंने डेरिवेशन क्लास में कराया था क्या? अगर देखा जाए फिर हम लोग को क्या बोला, वेरिएंस निकाल ले, और फिर बोल रहा है क्या दोनों में डिफरेंस आएगा
अगर एक के जगह में 1,000 यूनिट इन्वेस्ट किए होते तो? ठीक है, अच्छा एक मिनट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. एंड इसमें अपनों को मीन और वेरिएंस कितना दिया है? मीन दिया है 0.07 एंड वेरिएंस दिया है 0.016. हम लोग को इसमें मीन कितना दिया है? मीन दिया है 0.07 एंड वेरिएंस दिया है 0.016. यही है ना, 0.016. ओके, अब हम लोग को बोला है मीन ऑफ वेरिएंस निकाल लें. 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ 10 ईयर्स. बताओ सिंगल इन्वेस्टमेंट है ना एनुअल इन्वेस्टमेंट है. 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ, माने 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड और उसका मेरे को अक्यूमुलेशन निकालना है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स. तो बताना सिंगल इन्वेस्टमेंट है ना एनुअल इन्वेस्टमेंट है. सिंगल इन्वेस्टमेंट है ना एनुअल इन्वेस्टमेंट है, ये बताओ मेरे को. सिंगल इन्वेस्टमेंट है कि एनुअल इन्वेस्टमेंट है, ये बताना. एंड प्रथम पिंचा, इतना जोर का पिंच मारूंगा ना, प्रथम पिंचा नालायक. एनुअल बोल रहा है, कितना इतना क्वेश्चन दहाड़े मार रहा है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ 10 ईयर्स. अनुष्का केडिया भी बोल रही है एनुअल है. अनुष्का केडिया एनुअल. इफ 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल का बिगिनिंग में, मतलब टाइम जीरो पे एक बार, इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स नहीं बोला है. अनुष्का एंड प्रथम, अनुष्का एंड प्रथम, इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स नहीं बोला है. बोला है इफ 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ 10 ईयर्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर ये जीरो है और अगर ये 10 है, तो इसका मतलब क्या बोल रही है? यहां पर 1 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है एंड इसका अक्यूमुलेशन चाहिए मेरे को, इसका अक्यूमुलेशन चाहिए मेरे को टाइम 10 पे. आप समझ में आया? अनुष्का कमेंट बॉक्स में लिखेंगे येस और नो. अनुष्का और प्रथम, आप समझ में आया? इफ 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड, देखो क्या लिखा है, इफ 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ 10 ईयर्स. हाँ वेरी गुड. ओके हाँ, तो हम लोग को मीन दे दिया और हम लोग को वेरिएंस दे दिया है. तो बेसिकली ये क्या हो गया, S10 हो गया. तो S10 को हम लोग क्या लिखते थे? 1 प्लस I1 इंटू 1 प्लस I2 डॉट 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 1 प्लस I10, राइट. अब मेरे को क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ S10 एंड वेरिएंस ऑफ S10. एक्सपेक्टेशन ऑफ S10 कैसे निकालेंगे बताना? एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस I1, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस I2, क्योंकि सारा क्या है, इंडिपेंडेंट बोल दिया है, तो अल्टीमेटली आ क्या जाएगा? ये मैंने कराया है क्लास में, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा. अल्टीमेटली आ क्या जाएगा? 1 प्लस j टू द पावर 10. अल्टीमेटली आ क्या जाएगा? 1 प्लस j टू द पावर 10, बोलो ना. हाँ, एंड हम लोग को j तो पता है, तो क्या आएगा हम लोग का? हम लोग को j तो पता है, तो हम लोग का क्या आएगा? 1.07 टू द पावर 10. नाउ दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताना मेरे को, कितना आ रहा है बताना मेरे को. ये वाला कितना आ रहा है बताना? वरुण मोहता, वरुण मोहता 1.96. वरुण मोहता ने जवाब दिया 1.96715, 1.96715. ये वरुण मोहता का जवाब है. वेरी गुड. मैं आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जितना भी सब लाइव क्लास लूंगा, सबके सब रिव्यू क्लास होंगे एंड डाउट क्लास होंगे. एंड आप लोग का रिविजन जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, आप लोग को मेरा पूरा का पूरा वीडियोस देखना है, जितना भी लाइन बाय लाइन वीडियोस है. आज मैंने आपको कोई ज़्यादा टास्क नहीं दिया है, कोई ज़्यादा टास्क नहीं दिया है ना. अभी मैं लोग धीरे धीरे करके आप, मैं सम्स कराते रहूँगा इधर, मैं पूरा पूरा सम्स कराते रहूँगा एंड आप लोग उधर में कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ देखते जाइए. कंपाइलर का जोर मेरे पे छोड़ दीजिए,
लेकिन कॉन्सेप्ट का जोर मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वो आप लोग को वीडियो से करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या बोला है हम लोग को, वेरियंस ऑफ एस टेन। अब वेरियंस ऑफ एस टेन कैसे निकालेंगे, वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है बताना, वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियंस ऑफ एस टेन विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन का होल स्क्वायर। तो ये तो मेरे को पता है, अब ये निकालना है। अब सबसे पहले तो मेरे को ये करना पड़ेगा ना, एस टेन का स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एस टेन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एस टेन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वन प्लस आई वन का स्क्वायर, वन प्लस आई वन का स्क्वायर, फिर क्या होगा, वन प्लस आई टू का स्क्वायर डॉट 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 इन टू होगा यहां पर, वन प्लस आई टेन का स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर टेन क्या हो जाएगा, अब सबका मैं पहले एक्सपेक्टेशन लूंगा और फिर इंडिपेंडेंट है तो सबको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस आई वन का स्क्वायर ये एक हुआ, ऐसे करके डॉट 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 जाएंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस आई टेन का स्क्वायर, क्योंकि क्या है इंडिपेंडेंट, तो लिख देंगे बाय इंडिपेंडेंस, तो लिख देंगे बाय, तो क्या लिख देंगे बाय इंडिपेंडेंस, बाय इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो ये लिख देंगे। अब एक का क्या होगा, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस आई के, ये जनरल का मैं बता रहा हूं, ये क्या है, इसको ऐसे सोचो, ये है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वेरियंस ऑफ एक्स। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ले जाऊंगा इधर, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस आई के का स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ वन प्लस आई के का होल स्क्वायर प्लस वेरियंस ऑफ वन प्लस आई के। तो वेरियंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो। हाँ कर सकते हैं, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आप लोग को, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आप लोग को, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे वही मैं ला के दिखा रहा हूँ। अब ये तो आपका क्या हो गया, वन प्लस जे का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा एस स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये तो मेरा एक का आया ना, इसके पावर में क्या हो जाएगा टेन, इसके पावर में क्या हो जाएगा टेन, ओके, इसके पावर में क्या हो जाएगा टेन। तो एक का निकालना मतलब क्या हो जाएगा, 1.07 का स्क्वायर, 1.07 का स्क्वायर प्लस 0.016, 1.07 का स्क्वायर प्लस 0.016, तो ये एक का हुआ। एंड अगर मेरे को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी ऊपर में आ रहा है उसके पावर में 10। तो अब बताना वेरियंस ऑफ एस टेन कितना आ रहा है, अब बताना वेरियंस ऑफ एस टेन कितना आ रहा है, इसका आंसर बताइए, वेरियंस ऑफ एस टेन का आंसर बताइए, वेरियंस ऑफ एस टेन आंसर बताइए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन का होल स्क्वायर, फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है, 0.57 610, ठीक है 0.57610। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोलता है कि डिफरेंस बताइए अगर 1000 यूनिट्स इन्वेस्ट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1000 एस टेन, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन, मतलब जो पुराना आंसर है उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 1000, जो पुराना आंसर है उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000,
सेकेंड पार्ट देखिएगा, वेरियंस ऑफ 1000 S10। वेरियंस से अगर कुछ भी बाहर आएगा तो कैसे बाहर आता है, स्क्वायर होके, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही फर्क है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1000 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही फर्क है। बोलो ना हाँ, अगर समझ में आया तो बोलो ना हाँ। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू। देख रहे हो किस तरीके से मक्खन की तरीके में से, मक्खन की तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। दिस इज प्योर मक्खन बटर, इसको अच्छे से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर। क्या बोला है देखना, द एक्सपेक्टेड इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ बैंक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज 6%। मतलब ये जे दे दिया है एंड हम लोग को क्या दे दिया है, एस। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनुअल इफेक्टिव रिटर्न्स इज दिस ना, द एनुअल इफेक्टिव रिटर्न्स आर इंडिपेंडेंट एंड 1+ IT इज लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज लॉग नॉर्मल का जो रेंज होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव नहीं हो जाए, इसीलिए हम लोग लॉग नॉर्मल यूज करते हैं, नॉर्मल नहीं यूज करते, ठीक है। 1+ IT इज लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर IT इज द रिटर्न इन द ईयर टी। Deriving any necessary formula, देखो क्या लिखा है, deriving any necessary formula, calculate the expected value of investment of 2 million, 2 million का मतलब कितना होता है 20 लाख, after 10 years, calculate the probability that the accumulation of the investment will be less than 80% of the expected value। मतलब किस चीज का probability निकालना है कि जो accumulation of the investment होगा that will be less than 80% of the expected value, मतलब जो part 1 का जो answer था उसका 80% से कम होगा, इस चीज का probability हम लोग को निकालना है, इसी चीज का probability हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो question सबको समझ में आ गया, आइए अब इसको try करते हैं। This is question number 4, this is question number 4, this is question number 4। तो सबसे पहले पार्ट वन तो बहुत इजी है, पार्ट वन तो SN का फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं, 1+I1 अभी जस्ट मैंने कराया ये वाला, तो 1+IN होल टू दी, हाँ 1+IN ये वाला तो बहुत इजी है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ S10 निकालने बोला है ना, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। 1 point मेरा मीन कितना था, 1+J^n होता है ना, तो 1+J^10 हो जाएगा। द एक्सपेक्टेड इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ बैंक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज 6%, तो 6% का रिटर्न है, तो अपने क्या लिख सकते हैं यहां पर, 1.06। ये मैंने कैसे लिखा, 10 साल बोला है अपने को क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में 10 साल बोला है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई अक्यूमुलेशन फैक्टर, accumulated value नहीं है, ये मेरा accumulation factor है 10 साल का। तो 1.06 to the power 10, because 6% मेरा क्या है, मेरा J है, 6% मेरा क्या है, J है, and 1+IT follows log normal, ठीक है। तो mu, sigma square, जिसका मैंने expectation of 1+IT एंड वेरियंस ऑफ IT मेरे को दिया है, ठीक है। तो वो बाद में, वो सेकंड पार्ट में काम आएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कोई काम नहीं आएगा उसका। तो ये सबको समझ में आया कि मैंने ये कैसे लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ S10,
ये 6% म्यू नहीं है, म्यू तो मेरा पैरामीटर है लॉग नॉर्मल का, सिग्मा स्क्वायर मेरा पैरामीटर है, मीन और वेरियंस नहीं होता है। म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर द मीन एंड वेरियंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट लॉग नॉर्मल। लॉग नॉर्मल का म्यू अलग होता है, आई मीन सॉरी, लॉग नॉर्मल का जो मीन होता है वो अलग होता है, एंड लॉग नॉर्मल का जो वेरियंस होता है वो अलग होता है। उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन इज व्हाट, 1.06 टू द पावर 10। तो बताना कितना आ रहा है इसका आंसर, बताना कितना आ रहा है इसका आंसर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा 20 लाख इंटू 1.06 टू द पावर 10। बताना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3.5817 मिलियन, 3.5817 मिलियन ये आ रहा है मेरा, ठीक है। तो 3.5817 मिलियन ये हो गया मेरा पार्ट वन। अब सेकेंड पार्ट को करने के लिए सबसे पहले मेरे को लॉग नॉर्मल के पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, पैरामीटर्स दे देगा, मीन वेरिएंस निकालना पड़ेगा, मीन वेरिएंस दे देगा, पैरामीटर्स निकालना पड़ेगा, पांच नंबर के लिए तो देगा। आइए तो इसका सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले लिखेंगे भगवान का नाम लेते हुए, बोल बाके बिहारी की जय। 1+IT फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब आइए एक्सपेक्टेशन ऑफ 1+IT इज नथिंग बट 1.06 बिकॉज 6% अपना जे है। वेरियंस ऑफ 1+IT, तो वेरियंस ऑफ 1+IT इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ IT, एंड वो अपने को दिया हुआ क्वेश्चन में। वेरियंस ऑफ 1+IT इज नथिंग बट वेरियंस ऑफ IT, एंड ये अपने को दिया हुआ कितना दिया हुआ था, 0.08 दिया हुआ था ना, 0.08 दिया हुआ था आई गेस, एक मिनट चेक करने दो, 0.08, हाँ ठीक है। तो 0.08 का स्क्वायर हो जाएगा, वेरियंस ऑफ IT क्या हो जाएगा, 0.08 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ये दोनों तो आ गया, अब अपने को क्या करना है, 1+IT फॉलोस। अच्छा अब लॉग नॉर्मल का मीन क्या होता है देखना, लॉग नॉर्मल का मीन क्या होता है बताना, लॉग नॉर्मल का मीन क्या होता है टेबल बुक से देख के बताना। ई टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1.06, एंड मीन का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। मीन का स्क्वायर मतलब ई टू द पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, मीन का स्क्वायर इंटू दिस इज इक्वल टू 0.08 का स्क्वायर। तो मीन का स्क्वायर इससे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो मीन का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1.06 का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0.08 का स्क्वायर। तो ई टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट 0.08 का स्क्वायर बाय 1.06 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सिग्मा स्क्वायर निकाल के बताइए कितना आ रहा है, यहाँ से आप लोग सिग्मा स्क्वायर निकालिए एंड सिग्मा स्क्वायर को डालिएगा इक्वेशन 1 जो मीन वाला था उसमें से निकाल के म्यू बताइए। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, म्यू और सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, म्यू और सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। मेरा म्यू आ रहा है 0.055 4290 एंड सिग्मा स्क्वायर आ रहा है 0.056 आ रहा है क्या, 0.056 आई गेस आ रहा है, दिस इज सिग्मा स्क्वायर 0.056798। ये सबका आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, ये सबका आया कि नहीं आया पहले ये बताओ।
तो इससे ये पता चलता है कि 1 प्लस आई टी फॉलोज लॉग नॉर्मल, मैं म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 प्लस आई टी फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एल एन 1 प्लस आई टी फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ये वाला प्रॉपर्टी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि एल एन 1 प्लस आई टी फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। एंड नॉर्मल में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे बोलूं कि एल एन 1 प्लस आई वन भी फॉलो क्या करेगा, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। एंड एल एन 1 प्लस आई टू भी क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ तो क्या होगा, एल एन दोनों को मैं लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब क्या लॉग ए बी, तो एल एन 1 प्लस आई वन फॉलोज व्हाट, नॉर्मल 2 म्यू कॉमा 2 सिग्मा स्क्वायर, 2 म्यू कॉमा 2 सिग्मा स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया, 2 म्यू कॉमा 2 सिग्मा स्क्वायर। तो सिमिलरली जैसे यहां पर मैंने 2 का करके दिखाया, जैसे यहां पर मैंने 2 का करके दिखाया, ठीक है, तो अपने एस टेन के बारे में सोचते हैं। तो एस टेन क्या होता है अपना, 1 प्लस आई वन डॉट 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 1 प्लस आई टेन। तो अपना एल एन एस टेन क्या हो जाएगा, एल एन 1 प्लस आई वन प्लस एल एन 1 प्लस आई टू डॉट, अब सब ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, एंड जो लास्ट वाला होगा एल एन 1 प्लस आई टेन, ये भी नॉर्मल है, सारे के सारे नॉर्मल है। एंड नॉर्मल को हम लोग ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली एल एन एस टेन विल फॉलो नॉर्मल 10 म्यू कॉमा 10 सिग्मा स्क्वायर, एंड एस टेन विल फॉलो लॉग नॉर्मल। ये ला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, एस टेन विल फॉलो लॉग नॉर्मल 10 म्यू कॉमा 10 सिग्मा स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताना, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताना, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला लोग मिस आउट नहीं कर सकते इस चीज को। तो मेरा एस टेन का तो डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, मेरा एस टेन का तो डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता क्या हूं कि प्रोबेबिलिटी मेरा जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 80% ऑफ द एक्सपेक्टेड, 80% ऑफ द एक्सपेक्टेड accumulated value, my accumulate, किस चीज का probability निकालना है कि my accumulated value at 10 years will be less than 80% of the expected accumulation या फिर expected accumulated value, ठीक है। तो 1.06 to the power 10 का 80% निकालिएगा, बताइएगा क्या आता है probability S10 less than क्या आ रहा है बताइएगा, probability S10 less than क्या आ रहा है बताइएगा, 1.06 टू द पावर 10, 1.06 टू द पावर 10, मैं भी आप लोग के संग संग करूंगा, इनटू 0.8, तो कितना आ रहा है, 1.4327, ओके भैया, इंटू टू होगा कहां पर भाई, इंटू टू कहां होगा, 80% बोला है ना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला है, विल बी लेस देन 80% ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ठीक ही तो लिखा है, एस टेन लेस देन, अरे वो तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो वो बोल रहा है 2 मिलियन, तो इधर भी 2 मिलियन, हाँ तो इधर भी 2 मिलियन और इधर भी 2 मिलियन, तो दोनों तरफ 2-2 तो कट सकते हैं ना, ये दोनों 2-2 तो दोनों तरफ कट जाएगा, इसलिए इसको लिखा नहीं है, अक्यूमुलेशन फैक्टर्स में ही काम किया है, दोनों तरफ जो मैं 2-2 लिखूंगा वो तो दोनों तरफ कट सकता है ना, तो जो चीज दोनों तरफ कॉमन है उसको मैं क्यों लिखूं, जैसे समझा बात को हम क्या बोल रहा है तुम, अच्छा हाँ ठीक है वो समझ गया। अब S10 क्या फॉलो करता है, लॉग नॉर्मल,
लॉग नॉर्मल से पहले नॉर्मल में आएंगे, मतलब दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग मतलब प्रोबेबिलिटी एल एन एस टेन विल बी लेस देन एल एन 1.4327, ठीक है। अब एल एन एस टेन क्या फॉलो करता है, नॉर्मल, लेकिन टेबल बुक किसका दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। टेबल बुक किसका दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, म्यू को करेंगे माइनस, मतलब म्यू मतलब ये वाला, बेसिकली मेरा म्यू को बोलने का मतलब ये था, क्योंकि अब 10 म्यू मेरा क्या बन गया है, म्यू। आई होप सबको समझ में आ रहा है, मतलब इसको करेंगे माइनस एंड इसका रूट से करेंगे डिवाइड, इसको करेंगे माइनस एंड इसका रूट से करेंगे डिवाइड, बिकॉज ये क्या है, ये है सिग्मा स्क्वायर, मेरे को सिग्मा से डिवाइड करना होता है। तो यहां पर तो मेरा आ जाएगा जेड विच इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट शुड बी लेस देन एल एन 1.4327 माइनस 10 म्यू, म्यू होगा माइनस 10 म्यू बाय रूट अंडर 10 सिग्मा स्क्वायर। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट होने से कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब ये बताना ये आ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन कितना आ रहा है, ये वाला फिगर चाहिए मेरे को, ये कितना आ रहा है, जेड लेस देन कितना आ रहा है, ये वाला फिगर चाहिए मेरे को। जेड लेस देन माइनस 0.8172, तो इससे नेगेटिव, माने जेड लेस देन माइनस है का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन 0.8172 या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू 0.8172 विच इज नथिंग बट 1 माइनस, विच इज नथिंग बट 1 माइनस फाई कैपिटल फाई 0.8172। इसका मैं एक बार ग्राफ बना के आप लोगों को समझा देता हूँ, ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पर क्या है बोला है, ये क्या है माइनस 0.8172, मेरे को बोला है इससे कम वाला एरिया, तो इससे कम वाला एरिया विल बी व्हाट, 0.8172 से ज़्यादा वाला एरिया, बिकॉज ये सिमेट्रिकल होता है, तो इससे ज़्यादा किया एंड इससे ज्यादा वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया का मेरे को निकालना है, तो क्या करूंगा, टोटल एरिया विच इज 1 माइनस माइनस ये वाला पूरा एरिया, माइनस ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। तो इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, आंसर बताओ, पॉइंट 2069 ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग पढ़ना स्टार्ट करो, आई विल बी बैक इन अ मिनट, सब लोग पढ़ना स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको अच्छे से करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उमदा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एन इंश्योरेंस कंपनी, आवाज आ रहा है सबको, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ इट टू पॉलिसी होल्डर्स बाय वे ऑफ टू पॉसिबल ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, ₹100 फॉर ईच पॉलिसी होल्डर विल बी पुट इनटू अ फंड फ्रॉम विच द एक्सपेक्टेड एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स विल बी इतना, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना, द एनुअल इफेक्टिव रेट्स ऑफ रिटर्न विल बी इंडिपेंडेंट एंड 1+IT लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर IT इज द रेट ऑफ रिटर्न इन ईयर टी, द पॉलिसी होल्डर विल रिसीव द अक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये पहला वाला हुआ। एक बार दूसरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ एक बार के लिए। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन of the sum of the policy holders will receive at the end of 10 years, दोनों ऑप्शन का निकालना है। फिर क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट द सम द पॉलिसी होल्डर्स विल रिसीव एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स विल बी लेस देन इतना, एंड रिलेटिव रिस्क में करना है। तो एक एक ऑप्शन करके करेंगे हम लोग। पहले हम लोग इसका करेंगे, इसका मीन कितना है देख लो, 5.5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है 7%। चलो तो इसका जो जे है वो है 0.055 एंड इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है, 7%, 0.07 ये हम लोग को दे दिया। और क्या बोला, 1+IT लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब तो ठीक ही है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग को सबसे पहले मीन और वेरिएंस निकालना है। तो मीन और वेरिएंस के लिए तो बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ S10। अब एकदम फटाफट करूंगा बिकॉज इसमें बहुत सारा सम्स हो चुका है। तो 1.055 टू द पावर 10, एक्सपेक्टेशन ऑफ S10 मतलब 1.055 टू द पावर 10। ओके, 1.055 टू दी पावर 10। उसके बाद में तो कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, 100। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 100 S10 बताना कितना आ रहा है, सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करना, बताओ कितना आ रहा है। 100 इंटू 1.055 टू दी पावर 10 कितना आ रहा है बताना, कितना आ रहा है बताना, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है बताओ, 170.8144। सिमिलरली हम लोग को सबसे वेरिएंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ S10 का स्क्वायर। तो उसके लिए तो मैंने बताया था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ S10 का स्क्वायर निकालना है ना। तो इसके लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ये मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बताना हाँ समझ में आया कि नहीं आया। 1+J का स्क्वायर प्लस S² होल टू द पावर 10, यही तो आया था ना, 1+J का स्क्वायर प्लस S² होल टू द पावर 10। अभी हमने ये प्रूफ भी किया था, तो इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, मतलब 1.055 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर होल टू द पावर 10। ये सबको समझ में आया मैंने कैसे किया इसको, बताना हाँ या ना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बताना समझ में आया कि नहीं आया वाला। ये वाला निकालो कितना आ रहा है, इससे मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ S10 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेरिएंस ऑफ S10।
वेरिएंस ऑफ एस टेन बताना कितना आ रहा है, वेरिएंस ऑफ एस टेन बताना कितना आ रहा है, हम लोग को निकालने क्या बोला है, देखो हम लोग को निकालने क्या बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सम द पॉलिसी होल्डर्स विल रिसीव, तो बताना कितना आ रहा है, ये वाला बताओ कितना आ रहा है, करने करे बिना मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, बताओ कितना आ रहा है, आप लोग सबको संग में करना है। फिर वेरिएंस ऑफ एस्टेन में मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरिएंस ऑफ एस्टेन में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन का होल स्क्वायर। वरुण मोहता ने आंसर दिया है, वरुण मोहता ने आंसर दिया है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टेन का स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 1.117925, 1.117925 होल टू द पावर 10, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एस टेन विल बी, वेरिएंस ऑफ एस टेन विल बी 0.13, वेरिएंस ऑफ एस टेन विल बी 0.1310, 0.1310 27, 0.1310 27, वेरिएंस ऑफ एस टेन विल बी 0.1310 27, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ एस टेन निकल गया, उसके बाद में मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था वेरिएंस ऑफ 100 S10, तो 100 कैसे बाहर आएगा, स्क्वायर होके, एक्चुअल में एस डी निकालना था, तो रूट करेंगे इसका, तो अल्टीमेटली 100 तो पूरा बाहर आ जाएगा, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ S10, तो क्या आ रहा है बताना, 100 इंटू रूट अंडर 0.1310 27, 0.1310 27, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, 0.1310 27, आई होप सो सबको समझ में आ रहा है, आई होप सो सबको समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए, इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए, इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए, pound 36.20, pound 36.20। नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, दो आंसर जो आया है, 170 आया है, एक तो आया है आंसर 170, एक आंसर आया 170 और एक आया 36.20। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज कितना मिलेगा, 170, एंड द एवरेज डिविएशन अराउंड द मीन, एवरेज डिविएशन अराउंड द मीन विल बी ऑफ 36.20, मतलब व्हाट विल बी द एवरेज रेंज जिसके अंदर में मेरा लाई करेगा, इट विल बी 170 माइनस जो एस डी आया है कॉमा 170 प्लस जो एस डी आया है, मतलब ये मेरा एवरेज रेंज रहेगा। ऐसा नहीं है कि 170 माइनस एस डी से कम नहीं हो सकता है, फिर 170 प्लस एस डी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मैंने बोला एवरेज। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन इज द एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया, तो ये मेरा हो गया, बताना समझ में आया कि नहीं आया, बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये मेरा हुआ पहले वाले का पहला आंसर, ये मेरा हुआ पहले वाले का पहला आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन में क्या बोला है देखो, दूसरा वाला ऑप्शन में क्या बोला है देखो, 100 विल बी इन्वेस्टेड फॉर ईच पॉलिसी होल्डर फॉर 5 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम इफेक्टिव, आफ्टर 5 ईयर्स द अक्यूमुलेटेड सम विल बी इन्वेस्टेड फॉर अ फर्दर 5 ईयर्स एट द प्रिवेलिंग 5 ईयर स्पॉट रेट, या तो वो 1% होगा, या फिर वो 3% होगा, या फिर वो 6% होगा, या फिर वो 8% होगा, सबका प्रोबेबिलिटी दे दिया है, 1, 3, 6, 8,
The policy holder will receive the accumulated investment at the end of 10 years. 5 years spot rate बोल दिया ना, मतलब FIRM है, मतलब FIRM है ये. 5 years spot rate बोल दिया मतलब FIRM है, ठीक है. ओके तो आइए हम लोगों को क्या क्या बोला है इसमें, ऑप्शन बी का कर रहे हैं यहाँ तक. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना. यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना. हम लोग कर रहे हैं ऑप्शन बी का, हम लोग कर रहे हैं ऑप्शन बी का, ठीक है. तो ऑप्शन बी का क्या क्या हो सकता है बताना. 1%, 3%, 6%, 8%, ये चार हो सकता है. 1, 3, 6, 8. तो क्या क्या हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.2, 0.3, 0.2, 0.3, ठीक है. तो ये मेरा है तो अब कर लो. पहला 5 साल तो 6% में होगा ही होगा. पहला 5 साल तो 6% में होगा ही होगा. मतलब क्या है, क्या चीज़ फिक्स हो जाएगा, 100 × 1.06⁵. अब यहाँ पर क्या होगा, 1.01⁵. यहाँ पर क्या चेंज होगा, 1.03⁵. यहाँ पर क्या चेंज होगा, 1.06⁵. और यहाँ पर क्या होगा, 1.08⁵. ठीक है. अब इन चारों का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरा क्या क्या आंसर आ रहा है, मेरा क्या क्या आंसर आ रहा है बताना. मेरा क्या क्या आंसर आ रहा है, ये चार आंसर आप लोग को बताना है कि कितना कितना आ रहा है. और इसका एक शॉर्टकट भी अगर लगाना है तो लगा सकते हैं. शॉर्टकट लगाएंगे तो 100 × 1.06⁵. ये तो मेरा बाहर आ गया. अब इंटू अंदर में क्या रहेगा देखना, 1.01⁵ इंटू उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है. प्लस इसी तरीके से 1.03⁵ इंटू उसका प्रोबेबिलिटी, प्लस 1.06⁵ इंटू उसका प्रोबेबिलिटी, प्लस 1.08⁵ इंटू उसका प्रोबेबिलिटी. तो इस तरीके से हम लोग को करना है, 0.2, 0.3, 0.2, 0.3, ठीक है. ये मेरा आएगा. अब इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है, इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है, इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है, इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है. इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है. इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है. 169.48, 169.48 आंसर बोल रहा है. तो 169.48. अब इसका अगर मैं वो देखो, ये मैंने क्या निकाला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस 10 निकाला है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ 100 S 10. अब मेरे को क्या चाहिए होगा, वेरिएंस चाहिए होगा. अब मेरे को क्या चाहिए होगा, वेरिएंस चाहिए होगा. तो ये सारा चीज़ स्क्वायर हो जाएगा, ये सारा चीज़ स्क्वायर हो जाएगा खाली प्रोबेबिलिटी को छोड़ के. मतलब मैं क्या निकालूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 100 S 10 का स्क्वायर, यही तो निकालूंगा ना. 100 S 10 का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 100 S 10 का होल स्क्वायर. तो देखिएगा यहाँ पर सब चीज़ स्क्वायर हो जाएगा. मतलब 100 स्क्वायर × S 10 का स्क्वायर मतलब 1.06⁻¹० हो जाएगा. और अंदर में क्या आएगा, 1.01⁻¹० 1.01⁻¹० इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी, प्लस 1.03⁻¹० इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी, प्लस 1.06⁻¹० इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी, प्लस 1.08⁻¹० इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो फिर से अगेन 0.2, 0.3, 0.2, 0.3. ये आया मेरा क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ 100 S 10 का स्क्वायर.
अब माइनस करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 100 एस 10 का होल स्क्वायर, तो इसमें माइनस क्या हो जाएगा 169.48 का स्क्वायर, 169.48 का स्क्वायर, बताना कितना आ रहा है, बताना वेरिएंस कितना आ रहा है, और उसका रूट करके बताना, रूट अंडर जो आएगा फिर मेरा क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर मेरा क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर मेरा क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, बताना कितना आ रहा है, सब लोग का आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, बताओ कितना आ रहा है। फोर सिक्सटी थ्री पॉइंट एट, 467 आ रहा है, बट ठीक है, इसका रूट निकाल के देखना, आना चाहिए मोटा मोटी 21.62 आना चाहिए एसडी अपना, मोटा मोटी 21.62 आना चाहिए अपना एसडी मोटा मोटी, चेक करो और बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा इतना। इसके बाद में अपने वो प्रोबेबिलिटी वाला करेंगे, इसके बाद में अपने वो प्रोबेबिलिटी वाला करेंगे, यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़े क्या, हाँ या ना में जवाब देना, यहाँ तक हो गया तो क्या आगे बढ़े, ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट, अब अपने करते हैं प्रोबेबिलिटी वाला, अब अपने करते हैं प्रोबेबिलिटी वाला, तो पहला वाला तो अपना क्या था लॉग नॉर्मल था, तो जैसे अपने पहले निकाले थे सिमिलर तरीके से निकालना, सिमिलर तरीके से निकालना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ एक्सपेक्ट, अभी ऑप्शन ए का कर रहा हूँ ठीक है, तो ए का एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस आई टी इज इक्वल टू 1.055 एंड वेरियंस ऑफ 1 प्लस आई टी इज इक्वल टू वॉट, कितना दे बोला था मैंने 0.07 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग को क्या निकालना हो, दिस इज इक्वल टू वॉट e टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू वॉट मीन का स्क्वायर इंटू e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना मीन का स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोग करके निकालिए म्यू और सिग्मा स्क्वायर कितना आ रहा है, करके निकालिए फटाफट, म्यू और सिग्मा स्क्वायर कितना आ रहा है करके निकालिए, म्यू और सिग्मा स्क्वायर कितना आ रहा है करके निकालिए फटाफट, बताइए फटाफट कितना आ रहा है, और फिर उसके बाद में म्यू अपना बोल रहा है एक जन 0.051344 एंड सिग्मा स्क्वायर बोल रहा है, सिग्मा स्क्वायर बोल रहा है, सिग्मा शायद तुम्हारा गलत आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर आना चाहिए 0.00439 0.004928, चेक करके बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर चेक करके बताना, प्रथम सिग्मा नहीं चाहिए सिग्मा स्क्वायर चाहिए बेटा, इसके बाद अपने क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आई टी फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, एस 10 फॉलोज लॉग नॉर्मल 10 म्यू कॉमा 10
सिग्मा स्क्वायर। हाँ ठीक है, एस टेन फॉलोज दिस। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी S10 विल बी लेस देन 115, यही तो निकालना है मेरे को। प्रोबेबिलिटी S10, सॉरी S10 नहीं होगा, 100 S10 होगा वो। प्रोबेबिलिटी 100 S10 विल बी लेस देन 115, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी S10 विल बी लेस देन 1.15। ठीक है, अब वही सेम तरीके से करो। प्रोबेबिलिटी Z इज लेस देन ln 1.15 लेस 10 μ बाय रूट अंडर 10 σ². ठीक है, तो अब यहाँ से बताना ये वाला RHS कितना आ रहा है अपना, RHS कितना आ रहा है अपना ये बताना मेरे को, RHS कितना आ रहा है ये बताना, RHS कितना आ रहा है ये बताना। Z इज लेस देन कितना आएगा, Z इज लेस देन कितना आएगा? Z इज लेस देन कितना आएगा ये बताना। ये वाला सम के बाद मैं अपना प्लानर भी डिस्कस कर दूंगा कि हम लोग किस तरीके से आगे आगे बढ़ेंगे। -1.7829, -1.7829, तो ये मेरा आ रहा है, अगेन सेम ही आया है, तो इसका आंसर निकाल लो। इसका आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है, इसका आंसर निकाल के बताना कितना आ रहा है। इतना देर मैं एक कंपैरिजन टेबल बना रहा हूँ, इसका आंसर निकाल के बताना कितना आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है बताओ? अनुष्का कर नहीं रही है, मृगांक कर नहीं रहा है, खाली प्रथम आंसर दे रहा है। अनुष्का, वरुण, मोहता और बाकी जो लोग हैं क्लास में, लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, खाली एक लड़का आंसर दे रहा है इतने जन में। बोलिए कितना आ रहा है इसका, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू 1.7829, बताना कितना आ रहा है। मैं वेट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, ऐसा समझे कि नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो और मैं आपके संग हूँ। हाँ वेरी गुड, 0.0373, 0.0373, वेरी गुड वेरी गुड, प्रथम पिंचा, वेरी गुड। अच्छा तो अब मेरा ये प्रोबेबिलिटी आ गया। अब अगर हम लोग एक बार ऑप्शन बी के बारे में सोचें, एक काम करना, 100 × 1.06⁵ करके बताना कितना आ रहा है। 100 × 1.06⁵ करके बताना कितना आ रहा है। ये अपना आ रहा है 133.822। अब इसके बाद में अपने पास में चार ऑप्शन है, या तो एक होगा या फिर तीन होगा या फिर या तो एक होगा या फिर तीन होगा या फिर छः होगा या फिर आठ होगा। अरे भाई पहला 5 साल में ही तो 133 हो जा रहा है, तो 115 से कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ रहा है?
115 से कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, 115 से कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है। जब पहला 5 साल का ही अक्यूमुलेशन, अब इसके बाद मान लेते हैं लोएस्ट भी हो, अगर 1% भी हो तो भी कोई चाप वाला बात नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगा, जीरो। जीरो इज द आंसर, बिकॉज 115 से कम तो ऑप्शन बी में हो ही नहीं सकता है। पहला 5 साल का ही कितना हो गया, 133, एंड इसके बाद मान लेते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स का 1% भी अगर होता है ना, तो भी अगर मान लेते हैं 1% भी होगा तो भी 115 से कम तो नहीं होगा, तो इसमें आंसर आ रहा है जीरो। अब कंपेयर करते हैं एक बार, प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं 0.0373 और यहाँ पर आ रहा है जीरो। वेरिएंस क्या क्या आया था दोनों का, दोनों का वेरिएंस क्या क्या आया था, दोनों का वेरिएंस क्या क्या आया था, ट्वेंटी 1.62 एंड 169.48, ऐसे को टेबल बनाना है। 21.62, सॉरी 21.62 एंड 169.48, ठीक है। अब ए का देखते हैं, ए का देखते हैं 36.20 एंड 170, 170 एंड 36.20, ओके। तो अभी अपने को बोला है कुछ कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें, मतलब अपने को रिलेटिव रिस्क के बारे में बोलना है, रिलेटिव रिस्क के बारे में बोलना है। तो रिलेटिव रिस्क के बारे में कैसे बोलेंगे देखना, रिलेटिव रिस्क के बारे में कैसे बोलेंगे देखना। रिलेटिव रिस्क के हिसाब से देखें तो बी का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, बी का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, इसका मतलब क्या है, अगर रिलेटिव रिस्क के हिसाब से देखें तो बी का, अगर रिलेटिव रिस्क के हिसाब से देखें तो बी का क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, मतलब बी में रिस्क कम है, मतलब बी में रिस्क कम है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क, एस डी इज अ मेजर ऑफ रिस्क, तो जो कम होगा उसका रिस्क कम होगा। एक और मेजर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि 115 से कम होगा एवी, वो भी देखो बी में जीरो है, बी में जीरो है लेकिन ए में कुछ तो है, तो फिर बी प्रूव हुआ। बट अगर हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो ए में ज़्यादा है और बी में कम है, तो यही एक है कि हो सकता है कि बी में कम मिल जाए, बी में कम मिले, हो सकता है कि बी में कम मिले, लेकिन बी में एक मिनिमम गारंटी जैसा है। बी में मिनिमम गारंटी क्या है देखना, कि 100 × 1.06⁵ × 1.01⁵, इससे कम आंसर बी में हो नहीं सकता। ये कितना आ रहा बताना, ये कितना आ रहा बताना, ये आएगा 140 पॉइंट समथिंग आएगा, इससे कम आंसर बी में हो नहीं सकता है। ये बी में इन्वेस्ट करने का फायदा है। तो जो रिस्क एवर्स लोग होंगे, जो लोग को गारंटी टाइप का पसंद है, वो लोग बी में करेंगे, वो लोग बी में करेंगे। लेकिन अगर हम लोग एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेशन देखें, अगर हम लोग एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेशन देखें, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या है, 169 है, इसमें 170 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हिसाब से देखा जाए तो बी क्या है, थोड़ा कम रिस्की है, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। आज मैंने 4 सम कराया है। अब देखिए, अब आपको करना ये है, मैं आप थोड़ा प्लान डिस्कस करूंगा, 5 मिनट्स टाइम दीजिएगा मुझे। जैसे आज मैंने आपको कराया है 1, 2, 4 एंड 5, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन है, अब हम लोग पहले स्टोकेस्टिक पूरा खत्म करेंगे, आप लोग करोगे, मैं डाउट्स कराऊंगा और सम्स कराऊंगा। आप लोग को करना है, मैं डाउट्स और सम्स कराऊंगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग करेंगे बुकलेट टू. इसमें हम लोग को चाहे 2 क्लास लगे, 3 क्लास लगे. माई एस्टिमेशन इज 3 क्लासेस. माई एस्टिमेशन इज 3 क्लासेस. ओके, नाउ जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान देना. मैं क्या बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान देना कि ये इंडेक्स के ऊपर देखते हैं, ये इंडेक्स के ऊपर देखते हैं कि इसमें देर आर 9 बुकलेट्स हैं, मतलब 9 अलग अलग टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड किया है. तो 9 अलग अलग टॉपिक्स में जो मैंने डिवाइड किया है ना, मैं अपना लाइव क्लासेस का आपको वो बताता हूँ हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं. तो लाइव क्लासेस में मैं आपका क्या कराऊंगा, रिव्यू क्लासेस. जैसे मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कराए, रिव्यू क्लासेस होंगे, रिव्यू क्लासेस होंगे. सम्स के क्लासेस होंगे, रिवीजन कराऊंगा. बीच बीच में मॉक लूंगा तो उसका डिस्कशन कराऊंगा. ठीक है, तो वीक में मैंने आपका 4 क्लास प्लान किया है, वीक में मैंने आपका 4 क्लास प्लान किया है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मान लेते हैं 9 बुकलेट्स हैं. ओके, ऑन एवरेज मैं पकड़ के चलता हूँ कि किसी में ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा, किसी में ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा. तो अप्रॉक्सीमेटली मैं पकड़ के चलता हूँ 3 क्लासेस. सो 27 क्लासेस के आसपास लगेंगे मेरे को पूरे रिविजन नोट्स कराने में, एंड जो मैंने कंपाइलर जो भी बोलो. एक बार 3 क्लास सेफ साइड मान के चलते हैं, और तो 30 क्लासेस. इसका जो ड्यूरेशन मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे अभी तो मैं थोड़ा कम कम करा रहा हूँ बिकॉज अभी आप लोग कर रहे हो, इसका जो मैं ड्यूरेशन मान के चल रहा हूँ दैट इज 2 आवर्स. तो मोटा मोटी 60 आवर्स का अपना प्लान ये है, 60 आवर्स का अपना प्लान ये है कि दिसंबर खत्म होने तक, दिसंबर एंड तक अपने को ये पूरा कर लेना है. एक वीक में एक टॉपिक पकड़ेंगे उसको खत्म करेंगे, एक टॉपिक पकड़ेंगे उसको खत्म करेंगे. तो अल्टीमेटली देख लीजिए अपने पास 9 से 10 हफ्ता है आज से, अगर अपने काउंट करें तो दिसंबर एंड तक अपने को इस चीज को पूरा करना है. ठीक है, तो अपने को इस चीज को पूरा करना है. एंड द सेम विल गो फॉर पेपर बी एज वेल. आप लोग पहले ये जब कर रहे हो ए में, तो इसका संग संग पेपर बी का भी करना है, उसका भी हम लोग डाउट क्लास अरेंज करके आप लोग के लिए कराएंगे. ठीक है, तो दिसंबर एंड तक दिस इज द प्लान. एंड ये जो है ना, अगर कोई बच्चा, मैं आज एक गारंटी देता हूँ, गारंटी मैं जो लोग भी क्लास ले रहे हैं, अगर कोई ये 30 क्लासेस अटेंड कर लिया एंड जो पेपर बी के जो क्लासेस होंगे, तो वो बच्चा फेल नहीं होगा. फेल तो छोड़ो, कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि खुद में अपना इतना कॉन्फिडेंस आएगा. उसके बाद एग्जाम कंडीशन में, क्योंकि अब की बार अप्रैल में भी एग्जाम क्या हो रहा है, घर से हो रहा है, तो एग्जाम कंडीशन में 10 मॉक्स, मतलब कि 5 पेपर ए का और 5 पेपर बी का, तो ये अपने एग्जाम कंडीशन में रखेंगे. एंड आप लोग को मॉक्स देना है एंड उसको हम लोग सॉल्व एंड चेक भी करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द प्लान. आई होप सो यू लाइक इट. जैसे अभी हम लोग स्टोकैस्टिक इंटरेस्ट रेट मॉडल्स कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग चैप्टर्स 1 to 4 करेंगे, जो अपना बेसिक्स है, एन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, उसमें आपका यूटिलिटी थ्योरी वगैरह है. ओके, सो दिस इज हाउ विल मूव. आवर फोकस इज ऑन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. आप लोग मेरे वीडियोस देखो एंड इधर मैं आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. ट्राई टू कंप्लीट स्टोकैस्टिक इंटरेस्ट रेट मॉडल्स नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग पूरा कर लीजिए, सो दैट आई कैन गेट कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम हो रहा है, एंड उस दिन पूरा ट्राई करूंगा कि इसको खत्म करा दूँ. ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.